नमस्कार मु किशोर एन क्लासेस को आपण मानको स्वागत करूची। पेला माने आज रो क्लास रे आमे माने डिस्कशन करबा आउ एक इंपोर्टेंट टॉपिक जोई थरु एग्जाम रे बारंबार क्वेश्चन आछी। टॉपिक रो ना होची एमनियोटिक फ्लूइड। आपण मानको बहुत सारा कमेंट भी आछला जे सर एमनियोटिक फ्लूइड उपरे मध्य क्लास दरकार। तो आज रो टॉपिक रे आमे डिस्कशन करबा फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। को सिचुएशन रे एमनियोटिक फ्लूइड रो केमिति कलर चेंजेस हेथे, को कलर चेंजेस होता है, सब विषय में डिस्कशन करवा। क्लास टी एंड पर्यटन देखिए, जमार स्किप करेंगे ना। जदि चैनल को प्रथम थर पर भिजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करदे। चलो तो आज वीडियो स्टार्ट करवा। एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड इज फॉर्म बाय द फेटल एंड मेटरनल ट्रांसडक्शन। एमनियोटिक फ्लूइड केमी तैयारी होता है ना, फेटल और मेटरनल ट्रांसडक्शन द्वारा तैयारी होता है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड अच्छी एर 98% वाटर थी, 1% सॉलिड मटेरियल मध्य थाए। से जो 1% सॉलिड मटेरियल सेटा पुनी अगेन डिवाइड हो जाए आम ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक मटेरियल रे। ऑर्गेनिक मटेरियल रे आछी आमर यूरिया, यूरिक एसिड एंड प्रोटीन, ग्लूकोज एगुड़ाक। इनऑर्गेनिक सॉलिड रे आछी आमर सोडियम क्लोराइड एंड पोटासियम। बुझी होची? जदि आम वॉल्यूम देखिबा ताहले एमनियोटिक फ्लूइड रे वॉल्यूम केते थाए, जोटा कि आमर परीक्षा पई बहुत दरकारी। एमनियोटिक फ्लूइड रो वॉल्यूम 12 सप्ताह बेले को 50 ml थिला बेले 20 सप्ताह बेले को पाखापाखि 400 ml प्रोड्यूस होई जाय। 36 रु 38 सप्ताह बेले को एमनियोटिक फ्लूइड 1 लीटर रे पहुंची जाय एवं एट टर्म बा 42 वीक बेले को सेटा हमर धीरे धीरे पुनी कमी कमी कि 600 रु 800 ml होई जाय। बुझि होउछ? जदि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, दैट मीन्स 40th वीक परे भी, 40 सप्ताह परे भी जदि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, आमे आफ्टर द भायबिलिटी पीरियड आमे कौन कहते पोस्टर प्रेगनेंसी कहते। जदि 37 वीक पूर्वर है प्रिटर्म प्रेगनेंसी कहते, 40 सप्ताह पर जदि आम पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहते। तो जदि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हुए बा प्रेगनेंसी 40 सप्ताह रु ऊर्ध कंटिन्यू करे, ताहले से एमनियोटिक फ्लूइड कौन हुए धीरे धीरे कमी कमी के आसिक 43 सप्ताह बेलू पुणी से 200 ml पहुँची जाए। तेणु आमर पीक कौटा 36 to 38 वीक, 36 रु 38 सप्ताह जाके एमनियोटिक फ्लूइड रो क्वांटिटी पीक रे पहुंची थाए, जोड़ा कि आमर 1 लीटर। जदि ये क्वेश्चन आसे, क्वेश्चन तो ये सब गुड़ाक इंपोर्टां। जदि क्वेश्चन आसे 12 सप्ताह रे केते, सेठी आपण देखिबे 50 ml, 20 सप्ताह रे केते थिवो 400 ml, पीक केते बेले थाए 36 रु 38 वीक किंबा 36 रु 38 वीक रे एमनियोटिक फ्लूइड केते पहुंची थाए क्वांटिटी ना 1 लीटर बा टर्म रे केते थाए एमनियोटिक फ्लूइड आपण सेटी देबे ना 800 रु 1000 ml बा 800 ml रु 1 लीटर टर्म रे। देन 40 सप्ताह रे कोन हेतबो सेटा कमी कमी कि पुणी 600 रु 800 ml थिबो, एवं जदि पोस्टर प्रेगनेंसी हुए सेटा हमरो 200 ml रे थिबो अप टू 43 सप्ताह। बुझी हो? नेक्स्ट देखिबा। सो पिला माने हमरो जो एमनियोटिक फ्लूइड रे प्रीवियस स्लाइड रे हमें डिस्कशन करले तार क्वांटिटी रे वेरिएशन देखा जाउचे, माने सेटा 12 सप्ताह बेले को 50 ml, पुणे 20 सप्ताह बेले को 400 ml, एमती जो बडी बडी जाउची, एवं टर्म बेले को 800 रु 1000 ml, एवं पुणे टर्म परे जदि हमर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हला से धीरे धीरे खसी के आसी कि 43 सप्ताह बेले को हमर 200 ml रहउचे। या पछरे भी किछ टर्म अछि, जदि एक्सेस क्वांटिटी हो गला एमनियोटिक फ्लूइड बा 2000 ml रु अधिका हो गला, 2 लीटर रु अधिका हो गला, से टर्म को कौन कह पॉलीहाइड्रोमनियोस बोली कह। क्वेश्चन रे निहाती आसीबो, एग्जाम रे क्वेश्चन निहाती भाव रे आसीबो। पॉलीहाइड्रोमनियोस केते बेले आमे कहबा जदि एमनियोटिक फ्लूइड रो वॉल्यूम मोर देन 2000 ml हो जइबो। ओलिगोहाइड्रोमनियोस केते बेले कहबा जते बेले एमनियोटिक फ्लूइड रो वॉल्यूम लेस देन 200 ml हो जइबो। ओके, तेणु 43 सप्ताह परे परे चांसेस हमर अधिका अछि ओलिगोहाइड्रोमनियोस हेबार, एवं स्पेसिफिक ग्राविटी होची तार एमनियोटिक फ्लूइड रो 1.010 एवं ऑस्मोलारिटी 250 मिली ऑस्मोल पर लिटर, जोटा कि 250 मिली ऑस्मोल पर लिटर आमर जदि अछि ताहाले सेटा आमर फेटल मैच्योरिटी को सजेस्ट करूची। बुझी होची? जणा पडुची जे फेटस ऑलरेडी मैच्योर हे जाइछे। सब गुडा को बहुत इंपोर्टेंट लाइन, एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबार पॉसिबिलिटी बहुत अधिक अछि, तेणु ध्यान रो सहित पढ़ंतु। जदि क्लास टी भल लागुछि गोटे लाइक निश्चय भाव में करदे। कलर कौन आमर एमनियोटिक फ्लूइड रो कलर, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड टॉपिक।
तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड रो कलर केमती जेमती हमरो पानी कलरलेस एवं टेस्टलेस। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इज आल्सो कलरलेस, किंतु टर्म बेळकु आमे माने जानि चंती माँ गर्भ में फिटस ग्रो करुच्छे। फिटस देह में आम लानुगो अच्छी, वर्निक्स कैसियोसा अच्छी। लानुगो मुझे आपली तथा रिपीट कर दूँ, द हाइपर पिगमेंटेड हेयर सी कैन बी सीन ऑन द फिटस बॉडी। फिटस बॉडी रे देखा जाता हाइपर पिगमेंटेड हेयर जोटा कि आम लानुगो बोली था। मुझक फिटल डेवलपमेंट जिते क्लास करी से आपको बुझाऊ। जदि आपने क्लास मिस कर देते प्ले लिस्ट को जाइए देखते सीटी गोटे अच्छे फिटल डेवलपमेंट, से देखिपारे इमेज सह शो कराई तेलानुगो केमती देखा जाए, केमती से हाइपर पिगमेंटेड है, बर्निक्स कैसियोसा केमती, सब जिन ठीक से देखा जाए। ओके, बर्निक्स कैसियोसा हूँ आम चीज लाइक सब्सटेन्सेस क्रीम भाया। तो धीरे 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 फिटस जिते मार गर्भ में ग्रो करुच्ची टर्म बेलू से लानुगो वर्निक्स एगुड़ाक सब सेटअप होता देह झड़ी पड़ू सेगुड़ाक केमी आसो बाहर को से तो कौन से रास्ता नहीं जे हाँ यहाँ देहर झड़ पड़ा रास्तार बाहरी आसो तेणु से झड़ सारापर से मिसी जाए आम जो आमनियोटिक फ्लूइड में मिसी जाए। तो लानुगो आमनियोटिक फ्लूइड में मिसी जा कारण केमती देखा जाए पेल येलो बा अंबर कलर देखा जाए, एवं बर्निक्स कैसियोसा आमनियोटिक फ्लूइड में मिसी जा कारण कौन देखा जाए टी टर्बिड टाइप देखा जाए बुझे। आम तो आमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल कलर देखिले नॉर्मल कलर हूँ तार कलरलेस, एवं टर्म रे लानुगो सेटअप होगा कारण से पेल येलो बा अंबर कलर हो जाए, एवं बर्निक्स कैसियोसा कारण टी टर्बिड देखा जाए। किंतु आपण माने जानिचंते कि एमती किसी बॉडी रो अबनॉर्मल सिचुएशन अच्छी जो थे आमनियोटिक फ्लूइड रो कलर चेंजेस होता है, तेणु आपण मान को स्क्रीन रे जो अपीयर हो टेबुल टी ताकू ठीक रे देखंतु। एग्जाम दृष्टि रु बहुत इंपोर्टेंट 99.9% चांसेस अच्छी क्वेश्चन एई थ्रू आसीबार। वॉल्यूम आसीबो प्रथम टी आमर जो एई टॉपिक रो आज एमनियोटिक फ्लूइड टॉपिक रो क्वेश्चन आसीबो आमर प्रथम वॉल्यूम। वॉल्यूम पर जदि क्वेश्चन आसे सेटा होजी आमर अबनॉर्मल कलर्स एमनियोटिक फ्लूइड रो अबनॉर्मल कलर बॉडी रो कोनोसी अबनॉर्मल सिचुएशन रे एमनियोटिक फ्लूइड रो कलर कोन कोन चेंज हुए ताकू आमे डिस्कशन करिया। प्रथम होची जदि ग्रीनिश कलर हैला एमनियोटिक फ्लूइड जदि ग्रीनिश कलर हैला सेटा काहा को इंडिकेट करिवो फिटल डिस्ट्रेस को बुझी होची। जदि एमनियोटिक फ्लूइड गोल्डन कलर हैला ताले सेटा इंडिकेट करिवो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। जदि ग्रीनिश येलो किंबा सैफ्रन कलर हैला सैफ्रन कोन केसर आपण माने देखिथिबे मां मानको खीर रे पकईकि पीवाप दिया जाए सेमती ग्रीनिश येलो बा सैफ्रन कलर जदि हैला एमनियोटिक फ्लूइड कौन हम ना पोस्ट मैच्यूरीटी ता माने ये जो सैफ्रन कलर बा ग्रीनिश येलो कलर कते सप्ताह पर देखापी मिल पाए आमर पोस्ट मैच्यूरीटी रे बा पोस्टर्न बेबी रे माने 40 सप्ताह पर। जदि डार्क रेड किंबा ब्लड स्टेंड कलर हैला एमनियोटिक फ्लूइड ताले सेटा काहा को रिफर करिवो हेमरेज को हैला कोनोसी एक्सीडेंटल हेमरेज हो किंबा मा कोनोसी जगह रे पड़ी जाऊ पेट रे बहुत जोर रे आघात लागिछि जदि ब्लीडिंग होउछि ताहले सेटा कहार केमती देखा जिवो डार्क रेड बा ब्लड स्टेन देखा जिवो सेटि ब्लड स्टेन प्रेजेंट रहिबो एमनियोटिक फ्लूइड रे। देन आसे हमर डार्क ब्राउन और टोबाको जूस। टोबाको जूस केमती हमर किछ महान व्यक्ति अछन्ते सोसाइटी रे जो माने गुटका खाइ कि निजको महान आत्मा बोली फील करोंदी से महान आत्मा को पाखरे जदि आपण माने केबे छिडा हेबे देखिबे से माने गुटका खाइ सैला पोरे कोनसी जगह रे गुटे छेपो पकोउथिबे ठीक अछि से छेपो जेमती देखा जाय टोबाको जूस डार्क ब्राउन ठीक सेमती एमनियोटिक फ्लूइड रो कलर जदि हैला ताले सेई कलर काहा को इंडिकेट करछि ना इंट्रा यूटेराइन डेथ एठू जणा पड़िबो जे शिशुटी गर्भाशय रे मरि जाइछि। ओके, देन जदि पुरुलेंट कलर हैला माने जस्ट पूजो मिसा टाइप रो जदि कलर हैला घा आपण माने जानिथिबे सेठू बाहर पस फॉर्मेशन हुए तेणु से ही कलर जदि हैला आमर जानिबे ताले कोरियो एमनियोनाइटिस हेइछि आमर बुझि होछि। कोरियन एवं एमनियोटिक दुटा आगे आमर इनफेक्शन बा इनफ्लामेशन हो जाए। ओके, आशा करुच्ची आपण मानक क्लास टी निहाती भाव भल लगी। सो पिला माने नेक्स्ट आम देखिए फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कौन कौन फंक्शन प्ले करुच्छे एमनियोटिक फ्लूइड। प्रथम होउचे आमर शॉक अब्जर्वर इडा जदि माँ पेटर कौन सी हालका फुल्का आघात लगे ताले फेटस को कौन सी प्रकार हार्मफुल इफेक्ट पड़े ना ताको किए प्रोटेक्ट करे एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट करे। ता सहित फिटस बॉडी रो टेम्परेचर मेंटेन करे आउ कौन करे फिटस को कुशन प्रोवाइड करे। आमे आसुचान कुशन रे आराम रे मुंड रखिक शो पड़ते सोफारे शो पड़ते आमको केमती लगुच गदी गदी लगुच फिटस को भी सेमती गोटे सरफेस दरकार ना नहीं केमती से ग्रो कर तेणु ये एमनियोटिक फ्लूइड कुशन प्रोवाइड करे। आउ कौन करे ना फिटस रो फ्रीली मुवमेंट करिवारे फिटस को हेल्प करे।
ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଫିଟସ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍କୁ ସ୍ୱାଲୋ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତା'ର ହେୟାର୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଫାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେୟାର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିନ୍। ଓକେ, ଫିଟସ୍ର ହେୟାର୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକଦମ୍ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି ବ୍ରାଉନିସ୍ ହେୟାର୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେୟାର୍ କଲର୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଛୁଆଟି କ'ଣ ପିଇଛି, ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପିଇ ଦେଇଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 12 ସପ୍ତାହରେ 50 ml, 20 ସପ୍ତାହରେ 400 ml, 36 ରୁ 38 ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଆମର 800 ରୁ 1000 ml, 40 ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ 600 ରୁ 800 ml, ଏବଂ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ମାଚ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି ତାହେଲେ 43 ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ସେଇଟା କମି କମିକି 200 ml ପଳାଇ ଆସିଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଲିଗୋହାଇଡ୍ରୋମିନସ୍ କ'ଣ? ଓଲିଗୋହାଇଡ୍ରୋମିନସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲେସ୍ ଦେନ୍ 200 ml, ଯଦି 200 ml ରୁ କମ୍ ରହିଲା ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ତାକୁ ଓଲିଗୋହାଇଡ୍ରୋମିନସ୍ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ 2000 ml ବା 2 ଲିଟର ଅଧିକା ରହିଲା ଯଦି ତାକୁ ପଲିଓହାଇଡ୍ରୋମିନସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏତିକି ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆମର ବଡ଼ିର କେଉଁ ଆବ୍ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବା ଗର୍ଭାଶୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆବ୍ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେଇ ଏକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ର କଲର୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଏବଂ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଯେ କୁସନ୍ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରେ ଏବଂ ସର୍କ କିଏ ଅବଜର୍ଭ କରେ, ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ ବା ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ସହ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।